आपके घर में शेल्स हैं और उन्हें आप अच्छे से अरेंज करना चाहते हो, कुछ फोटोग्राफ्स रखना चाहते हो, आर्ट पीसेस रखना चाहते हो, प्लांटर्स भी रखना चाहते हो, या फिर सिंपली किसी वॉल पे फोटोग्राफ्स लगाना चाहते हो, तो इंटीरियर डिज़ाइन के कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप उन्हें अच्छे से अरेंज कर सकते हो। सबसे पहले हम बड़ी चीज़ें अरेंज करते हैं, जैसे इस केस में एक फ़ोटो फ्रेम है जिसके अंदर एक कोट लिखा हुआ है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना कि ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए कुछ भी, ना बहुत ज़्यादा छोटा। जितना आपका शेल्फ का साइज़ है उससे अप्रोक्सीमेटली 1/3 या 2/3 के बीच में कोई चीज़ है तो वो चल जाएगी। इसके बाद हमें जो ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट के ऑब्जेक्ट्स हैं, इस केस में हमने प्लांटर्स ले रखे हैं, उन्हें एंड्स पे रखना है। एंड्स पे ऐसे प्लांटर्स होने चाहिए या जो भी आप रखने वाले हैं उनकी हाइट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए जो हमने बड़ा पीस रखा है उसके साथ। अगर आप ज़्यादा छोटे या ज़्यादा बड़े लोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब हमारी जो मिडिल में जगह बची है वहाँ पे हमने थोड़े से स्मॉल हाइट के ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, जैसे कि हमने इस केस में एक और प्लांटर ले रखा है एंड यहाँ पे एक छोटा सा टॉय है, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट के हैं आपस में लेकिन दूसरे वालों से छोटे हैं। आपको यही मूवमेंट यूज़ करनी है अगर आपका शेल्फ बड़ा है। इस केस में तो हम इतना ही करने वाले हैं, लेकिन अगर आपका शेल्फ बड़ा है तो यही मूवमेंट आपको बार बार यूज़ करनी है, अप डाउन अप डाउन। नंबर टू इज़ रिपीट करो कलर्स को। जैसे कि आप यहाँ पर नोटिस करो, ब्लू यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, रेड वहाँ भी है, यहाँ भी है। बेशक वो थोड़े अलग अलग रेड्स हैं, अलग अलग ब्लूज हैं, लेकिन रिपीटेटिव है। बिल्कुल डिटो रेड हमें बार बार यूज़ नहीं करना। बिल्कुल डिटो कलर अगर आप यूज़ करोगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है और थोड़ी सिमिलैरिटी भी मिलती है तो वो काफ़ी ब्यूटीफाई कर देता है आपके शेल्फ को। कलर्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपकी ओवरऑल लुक जो है उस पर। अगर आपकी वॉल्स डार्क हैं काफ़ी, उसके सामने अगर आप ब्लैक एंड वाइट ऑब्जेक्ट्स रखते हो, ब्राउन कलर के ऑब्जेक्ट्स रखते हो या फिर ग्रे में रखते हो, तो वो काफ़ी बोल्ड लगता है। अगर वहीं पे अगर आपकी वॉल भी प्लेन वाइट है या पिंक है, लाइट ब्लू है, इस टाइप की है, और उसके आगे आपने जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं वो भी लाइट शेड्स में हैं, तो वो काफ़ी सॉफ्ट लगता है। लेकिन वहीं अगर आप एक थोड़ा न्यूट्रल टच देना चाहते हो, ओवरऑल एक न्यूट्रल वाइब देगा, अगर लाइट कलर्स भी हैं, डार्क कलर्स भी हैं, साथ में ब्राउन्स हैं, ग्रेन्स हैं, तो ये अच्छा लगता है। नंबर थ्री है, आपके शेल्फ को ऐसा नहीं लगना चाहिए खाली है, कुछ ना कुछ आसपास रखा रहना चाहिए। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है, ऐसे नहीं पूरा का पूरा भर दिया और वो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड लगने लग रहा है। नहीं, हमें एक बैलेंस ढूंढना है, बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो। और ये जनरली जो बैलेंस है आपको वो ओड ऑब्जेक्ट्स में मिलेगा, जैसे 3 रख रखे हैं, इस केस में हमने 5 रखे थे, 7 रखे हैं, मोस्टली ऐसे मिलता है। नेक्स्ट इज़ आपके शेल्फ के जो आर्ट पीसीज हैं, आपकी पेंटिंग्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो ओवरऑल वाइब कैसी देगा। अगर आपकी पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा ओवल शेप्स हैं, कर्व्स हैं, सेमी सर्कल सर्कल्स हैं, तो ये सॉफ्ट होता है देखने में काफ़ी। वहीं आपके आर्ट ऑब्जेक्ट्स में अगर एजेस हैं तो बोल्ड टच देता है। अगर आपको कोई भी पेंटिंग डायरेक्टली ऑन द वॉल लगानी है या किसी भी फर्नीचर पीस के ऊपर लगानी है, तो ध्यान रखना उसकी जो हाइट होती है, सेंटर होता है जो पेंटिंग का, वो 60 इंचेस पे होता है। इनफैक्ट अगर आपको शेल्फ भी लगाना है और आपको नहीं पता किस हाइट पे लगाना है, तो अगर 60 इंचेस के आसपास आप लगाते हो जो आई लेवल है, तो काफ़ी अच्छा लगता है वो भी। अगर आप न्यूट्रल टच देना चाहते हो तो दोनों को ही यूज़ कर सकते हो। हल्की बहुत फ्री फॉलोइंग लाइंस हैं, कर्व्स हैं, और बाकी जगह एजेस हैं, तो ये कॉन्ट्रास्ट भी करेगा, अच्छा भी लगेगा, लेकिन एक न्यूट्रल वाइब देगा, ना ही वो ज़्यादा सॉफ्ट होगी ना ही ज़्यादा बोल्ड होगी। एक लास्ट चीज़ अगर आप ऐड कर दो जो है लाइट्स, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई कर देता है आपके शेल्फ को। ये कोव लाइट्स हैं, ऐसे ही बहुत तरीके की लाइट्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये बिल्कुल पतली सी लाइट होती है, कहीं पे भी आप लगा सकते हो। पीछे से ये टेप की तरह निकल जाती है, कहीं भी आप स्टिक कर सकते हो, और शेल्फ्स के लिए मुझे पर्सनली काफ़ी ठीक लगती है क्योंकि ईजी टू अरेंज भी है और ऊपर से कहीं पर भी मिल जाती है। ऐसा कोई आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, किसी भी इलेक्ट्रिकल की शॉप पर जाओ, उन्हें बोलो कोव लाइट्स दे दे, तो ईजी टू अरेंज काइंड ऑफ थिंग है। इसके अलावा भी काफ़ी टाइप की लाइट्स हैं जो डायरेक्टली आप शेल्फ के अंदर रख सकते हो, जो उसको बहुत ब्यूटीफाई भी कर सकती हैं, और इन नाइट आप उन्हें एज नाइट बल्ब भी यूज कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि जो हाइट है लाइट की वो आपके शेल्फ की हाइट से ज्यादा ना हो, ताकि वो फिट हो सके उसमें। अगर आप इन 5 चीजों को ध्यान रख के अपना शेल्फ डिजाइन करोगे, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका शेल्फ आपकी पर्सनैलिटी भी स्पीक करेगा, जो आप दिखाना चाहते थे वो बोलेगा यानी, और दूसरा काफी अच्छा लगने वाला है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, होपफुली। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।